हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कृषि उत्पाद तकनीक, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो ये देखना है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। मतलब वो सारी तकनीक, वो सारी टेक्नोलॉजी जो अलग अलग लेवल पे एग्रीकल्चर के लिए यानी कि कृषि के लिए उपयोग में लाई जाती है। वो बीजों का उपयोग भी हो सकता है, वो फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद का उपयोग भी हो सकता है, पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशकों का उपयोग, इरिगेशन के तरीके। इसके अलावा जिस तरीके से हम डैम बनाते हैं या कृषि में ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, वो सारे तरीके कृषि उत्पाद तकनीक में आ सकते हैं या डिस्कस किए जा सकते हैं। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, कृषि क्या है, तो कृषि का मतलब आप क्या बताएंगे, खेतों में फसल उगाना या खेतों में काम करना। लेकिन यदि हम लोग कृषि का मतलब देखें, एग्रीकल्चर का मीनिंग यदि हम लोग देखें, तो बेसिकली देयर आर थ्री पॉइंट्स। मिट्टी की जुताई करना, कल्टीवेटिंग दी सॉइल, आप क्या कर रहे हैं, खेतों को खोद रहे हैं आप एक तरीके से, फिर उनमें आप फसल उगा रहे हैं, आपने क्रॉप्स को ग्रो किया, और पशुधन का भी पालन कर रहे हैं, पशुधन को पढ़ा रहे हैं, यू आर रेजिंग दी लाइफ स्टॉक। इन तीनों को एक साथ हम लोग एग्रीकल्चर में इंक्लूड करते हैं, कृषि में शामिल करते हैं। एग्रीकल्चर की जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उनमें मुख्य रूप से है ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक तरीकों से खेती करना, नॉन ट्रेडिशनल यानी कि गैर पारंपरिक तरीकों से खेती करना, कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए फॉर द कमर्शियल पर्पस खेती करना, और सेमी कमर्शियल यानी कि अर्ध वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए एग्रीकल्चर परफॉर्म करना। ट्रेडिशनल टेक्निक्स की यदि हम लोग बात करें तो जो प्रमुख इंडियन टेक्निक्स है या जो भारत में देखी गई हैं पारंपरिक तकनीक, वो इस प्रकार है। पहला है क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र। क्या मतलब होता है क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र का? मतलब आपके पास एक छोटा सा लैंड है, एक छोटी सी या बड़ी लैंड है, आपके पास एक खेती के लिए भूमि है, फार्मलैंड, और उसमें आपने क्या किया कि एक साल में जो आपका खेती आप एक साल में करते हैं, किसान जो एक साल में खेती करते हैं, उस एक साल में, एक वर्ष में इन्होंने ये कर लिया कि दो या अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन किया। टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर बीइंग कल्टीवेटेड एंड हार्वेस्टेड इन दी सेम लैंड। ठीक है, तो पहले फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो पहले किसान ने आलू उगा लिए, है ना, फिर आलू जब उग गए तो इन दी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर, साल के बाकी हिस्से में उन्होंने क्या किया, आलू उगाने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि चलो अभी टाइम है तो मटर उगा लेते हैं, पी जो है इसका खेती कर लेते हैं, अभी भी टाइम बचा है, उनके पास रिसोर्सेस है, संसाधन है, तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी गोभी उगा लेते हैं, गोभी कैबेज का उत्पादन कर लेते हैं। फिर जब गोभी भी उग गई और उनके पास अभी भी संसाधन है और समय भी है और लेबर यानी कि उनके पास मजदूर भी है, तो फिर उन्होंने ये सोचा कि चलिए करते हैं यहाँ पर बीट रूट यानी कि चुकंदर का भी हम लोग उत्पादन कर लेते हैं। तो इस तरह से एक साल में जब ये एक निश्चित फसलों को, फिक्स्ड क्रॉप को, एक इन अ डेफिनेट सीक्वेंस, एक निश्चित क्रम में उगाया जाता है, तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस होता है, जो क्रम होता है, उसे आप क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र कह देते हैं, जिसमें ये निश्चित करता है किसान कि किस समय कौन सी फसल किसके बाद उगाई जाएगी। सो क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र। फिर दूसरा होता है फैलो लैंड यानी कि परती भूमि छोड़ना। क्या मतलब होता है इसका? जब किसान की जो भूमि होती है, जो फार्मलैंड होती है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जब डाउन होती है, उर्वरता शक्ति जब कम हो जाएगी, तो किसान कुछ वर्षों के लिए, यूजली 3 to 5 years के लिए इसे बिना कृषि का छोड़ देते हैं, इस पर कोई एक्टिविटी नहीं करते। तो इस तरह से छोड़ देना कृषि भूमि को परती भूमि या फैलोलैंड किया जाता है। उद्देश्य इसका एक ही होता है, टू रीगेन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी है, मृदा है, उसकी उर्वरता शक्ति को वापस प्राप्त करना। नेक्स्ट कैटेगरी आती है मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित कृषि। तो मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित कृषि जो है, इसके तीन उद्देश्य होते हैं। मिक्स्ड का मतलब ही हम लोग जानते हैं कि क्या मतलब हुआ मिश्रित का, तो इसके तीन मतलब होते हैं, तीन उद्देश्य होते हैं, सॉरी, किसान खाद्यान्न की प्राप्ति के लिए यानी कि फूड के लिए
खेती कर रहा है, उसके अलावा किसान फॉडर यानी कि चारे के लिए खेती कर रहा है, और तीसरा टू इंक्रीज दी लाइफ स्टॉक, अपने पशुधन को बढ़ाने के लिए खेती कर रहा है। यानी कि किसान ने जो है तीन उद्देश्य एक साथ खेती करके प्राप्त किए, फूड फॉडर एंड लाइफ स्टॉक। तो इस तरीके से क्या किया, जैसे कि उसने गेहूं उगाया तो क्या हुआ, गेहूं से उसको खाना मिला, फूड मिला, और जो गेहूं का फिर जब कटाई के बाद हार्वेस्टिंग के बाद जो रिमेनिंग बचता है, अवशेष बचता है, उसका उसने चारे के रूप में उपयोग कर लिया। तो फूड और फॉडर उसको मिल गया, खाने के साथ साथ चारे का प्रबंध भी हो गया, और इस चारे से फिर उसका जो पशुधन है, लाइफ स्टॉक है, उसकी भी व्यवस्था हो गई। तो इस तरीके से एक साथ तीन उद्देश्य, थ्री ऑब्जेक्ट उसके अकम्प्लिश हुए, प्राप्त हुए। तो इस तरह से जो खेती करेगा उसको मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग कहेंगे। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है बाई क्रॉपिंग या द्विफसल। तो यदि किसान एक ही भूमि पर ऑन अ सेम लैंड यदि एक साथ दो फसलों को उगाता है तो उसे कहते हैं बाई क्रॉपिंग या द्विफसल, जैसे गेहूं और सरसों। फिर मल्टी क्रॉपिंग यानी कि बहु खेती, बहु फसल या विविध खेती। तो मल्टी क्रॉपिंग जो होता है इसका मतलब होता है कि एक ही खेत में एक ही समय, याद रखिए यहाँ पर अलग अलग समय था क्रॉप रोटेशन में, एक साल के अलग अलग समय पर, लेकिन मल्टी क्रॉपिंग में क्या होता है, एक ही समय पर ऑन अ सेम टाइम एक से ज़्यादा फसलों को या दो से ज़्यादा फसलों को उगाया जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग या वो बहु खेती में। तो जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल या टाइप्स भी होते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग के। तो यदि ये खेत है तो जैसे आपने यहाँ गेहूँ लगा दिया, फिर यहाँ आपने गेहूँ लगा दिया, दूसरा जो आपने तैयार किया रो, उसमें आपने गेहूँ के अलावा कोई और फसल लगा दी, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ राई लगा दी, ठीक है, फिर यहाँ पे आपने गेहूँ लगा दिया, फिर आपने यहाँ राई लगा दी। तो इस तरह से या तो आप अल्टरनेट फॉर्म में, एकांतर क्रम में आप मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे। तो यदि मल्टीपल क्रॉपिंग आप इस तरह से अल्टरनेट वे में कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग, एकांतर कृषि। या फिर ये भी किया जा सकता है कि जैसे आपने अल्टरनेट नहीं रखा, आपने खेत में आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने गेहूं लगा दिए और जो बचा हिस्सा है वहां कुछ सब्जी लगा दी। तो इस तरह से आपने एक ही समय पर एक ही खेत का एक से ज्यादा फसलों के लिए उपयोग किया तो उसको आप बोल देते हैं मल्टी क्रॉपिंग। इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे मैंने बोला इंटरक्रॉपिंग है, उसके बाद एक सक्सेसिव यानी कि अनुक्रमिक कृषि, फिर एक होता है रिले। रिले क्या होता है, रिले कृषि में जैसे कि रिले रेस होती है जहाँ पर दो रनर या दो से ज़्यादा रनर्स होते हैं और वो एक दूसरे को रिले पास करते हैं जो, तो उसमें क्या होगा रिले खेती में, रिले टाइप ऑफ फार्मिंग में, कि खेत है, खेत में एक फसल जब मैच्योर हो गई, पक गई जब एक फसल, तो जैसे ही ये फसल पक गई है इस फसल के पकने के साथ ही दूसरे फसल को उगाने की तैयारी की जाने लगती है, ठीक है, कैसे ही समझिए। फॉर एग्जांपल गेहूं है, गेहूं कटना शुरू हुआ, तो इतने हिस्से का गेहूं कट गया, तो जैसे ही इतना खेत खाली हुआ इस खेत में उन्होंने क्या किया, सोयाबीन लगाना शुरू कर दिया या चने लगाना या दूसरी कोई फसल लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ से गेहूं कटता जा रहा है, यहाँ से चना या सोयाबीन या कोई दूसरी फसल जो है वो लगती चली जा रही है। तो एक तरीके से यह है रेस जो है या जो क्रॉपिंग है वो ख़त्म ही नहीं हो रही, एक के ख़त्म होने से पहले ही दूसरी शुरू हो गई। तो इस तरह से जो कृषि होती है उसे कहते हैं रिले फार्मिंग या रिले कृषि। फिर नेक्स्ट जो आती है वो होती है इंटेंसिव या गहन। इंटेंसिव या गहन जो होता है इसे शस्य कृषि भी कहा जाता है हिंदी में। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही छोटा सा लैंड है, ऑन अ स्मॉल लैंड, छोटा सा खेत है और उस छोटे खेत पर बहुत ही कम पूंजी के साथ, विथ वेरी स्मॉल कैपिटल एंड ऑलमोस्ट विदाउट नो मशीनरी, बहुत ही कम पूंजी के साथ और लगभग बिना किसी मशीन के साथ, मानव श्रम की अधिकता होती है, जो ह्यूमन लेबर है उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये जो इंटेंसिव गहन कृषि है, छोटे छोटे खेत होते हैं, गरीब किसान होते हैं, वही लोग करते हैं, उनके पास मशीन के लिए पैसा नहीं होता,
बहुत एडवांस टेक्निक के लिए पैसा नहीं होता, वही लोग परिवार के पूरे लोग मिलकर यहाँ पर कृषि करते हैं, जिससे उनकी आजीविका, जिससे उनका जो लाइवलीहुड है वो उनका वो पूरा हो सके। तो इस तरह की जो कृषि होती है, सस्ती होती है, मुश्किल भरी होती है, उसको बोलते हैं गहन या इंटेंसिव, छोटे से खेत से ज़्यादा उत्पादन। फिर नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिव, इसे मैं एक्सपेंसिव भी कहती हूँ, क्योंकि यदि आप एक्सपेंसिव यानी कि महंगा समझ गए तो एक्सटेंसिव का मतलब वही है। एक्सटेंसिव को विस्तार या वृहद खेती भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है बड़े खेतों में, ऑन बिग और वेरी बिग फार्म्स। अब बड़े खेत हैं तो ऑब्वियसली बड़ा किसान होगा, बड़ा किसान है तो उसके पास कैपिटल यानी कि पैसा ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा है तो मशीन्स भी ला सकता है, वो टेक्निक्स भी ला सकता है, टेक्नोलॉजी भी ला सकता है। तो एक्सटेंसिव जो खेती होती है या विस्तृत खेती जो होती है, इसमें बड़े बड़े किसानों द्वारा बड़े बड़े खेतों पर मशीन का ज़्यादा यूज़ करके, पैसों को ज़्यादा यूज़ करके, लेकिन ह्यूमन फोर्स जो है या जो मानव श्रम है उसका कम उपयोग करके उत्पादन अधिक किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर समझना। छोटे खेत मानव श्रम अधिक है, ह्यूमन सोर्स ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर बड़े खेत हैं, यहाँ मशीन और टेक्नोलॉजी ज़्यादा उपयोग की गई है, यहाँ पर ह्यूमन फोर्स जो है, मानव श्रम जो है वो कम है। तो बेसिकली ये होता है आजीविका के लिए इंटेंसिव, लाइवलीहुड के लिए। एक्सटेंसिव होता है कमर्शियल पर्पस के लिए, वाणिज्यिक या अपने लाभ के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कवर क्रॉप्स, या उसे बोलते हैं हम आवरण खेती करना। कवर क्रॉप्स तब यूज किए जाते हैं जब न्यूट्रिशन वैल्यू, अगेन जब उत्पादन क्षमता जो है खेत की वो कम हो रही है और किसान फैलो लैंड नहीं चाहता, किसान नहीं चाहता कि वो पड़ती भूमि छोड़े, तो वो क्या करता है अपनी खेतों में 1 साल या 2 साल के लिए कृषि ना करके नॉर्मल जो है फूड ग्रेन्स हैं या सीरियल्स हैं, खाद्यान्न ना उगाकर कुछ कवर क्रॉप्स उगाता है। कवर क्रॉप्स में जैसे कि जो होते हैं सन हेम्प यानी कि सनई जिसको बोलते हैं, बकवीट जो होता है, या जैसे हिंदी में मैं बोलूँ तो ढेंचा बोलते हैं उसको, ढेंचा या ढेकली, तो इनको उगाया जाता है और इनको बेचा नहीं जा सकता, ना ही इनको खाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से पेड़ पौधे यदि आप उगाते हैं, इस तरह की फसलें आप उगाते हैं जिनका किसानों को या मनुष्यों का कोई यूज़ नहीं है, तो उससे क्या होता है, इस तरह की कवर क्रॉप्स या आवरण खेती मृदा की जो पोषण वैल्यू है वो भी बढ़ा देती है, न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देती है, सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन को कम करती है, और साथ ही साथ क्या करती है, जो वीड अटैक है, जो खरपतवार का उगना है, उसे भी कम कर देती हैं। तो कवर क्रॉप या आवरण कृषि इसलिए की जाती है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग या स्थानांतरण कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बहुत ही पारंपरिक है, इट इज़ दी मोस्ट प्रिमिटिव मेथड ऑफ कल्टीवेशन, सबसे पुराना टेक्निक है जो अभी भी ट्राइब्स के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसे हम झूम खेती भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। तो बस यही तरीके हैं, यही सब एग्जाम्पल होते हैं किसके से, शिफ्टिंग के या स्थानांतरित कृषि के। तो शिफ्टिंग में जिसको हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न या झूम खेती, इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। जैसे मध्य प्रदेश में हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश में कई आदिवासी जो कबीले हैं या समुदाय हैं वो शिफ्टिंग स्थानांतरित कृषि के द्वारा अपना निर्वहन करते हैं। अब ये जो शिफ्टिंग कृषि है या स्थानांतरण खेती जो है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, जंगलों में रहते हैं क्योंकि ट्राइब्स, तो जंगलों के एक एरिया को काटते हैं, ठीक है, काटा उन्होंने और जला दिया, स्लैश एंड बर्न। और फिर उसके बाद इस इतने हिस्से को जब उन्होंने काटा और जलाया तो फिर जो बचा वो क्लीन हो चुका था ये लैंड, फिर ये जब क्लीन हो गया लैंड तो इस यहाँ पर उन्होंने कृषि करना शुरू कर दी। जब यहाँ की न्यूट्रिशन वैल्यू, उर्वरता खत्म हो गई तो फिर वो आगे बढ़े, जंगल के दूसरे हिस्से को उन्होंने काटा, जलाया, साफ किया, फिर यहाँ कृषि की, और जब यहाँ की भी खत्म हो गई न्यूट्रिशन वैल्यू तो फिर वो आगे बढ़ गए। तो इस तरह से धीरे 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 क्या होता है, वो शिफ्ट करते रहते हैं अपनी लैंड को। लेकिन ये क्या होता है, बहुत हार्मफुल होता है क्योंकि इस तरह से जंगल साफ होते हैं या कम होते हैं। नेक्स्ट आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग या जीवन निर्वाह या निर्वाह कृषि। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है, निर्वाह कृषि नाम से ही समझ में आ रहा होगा,
किसान जो है उसे कोई मतलब नहीं होता, बस वो इतना चाहता है कि उसके साल भर का खाना पीना चल जाए, इतना उगाए अनाज कि उसका जो साल भर की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। नेक्स्ट है नोमैडिक हर्डिंग, यानी कि खाना बदोश तरीके से निर्वहन। तो कृषि में, क्योंकि मैंने कहा था कृषि का मतलब सिर्फ कल्टीवेशन नहीं है, कृषि का मतलब हम लोगों ने समझा था, क्या समझा था, एग्रीकल्चर का मतलब कल्टीवेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक, तो पशुधन को भी बढ़ाना है। इसलिए नोमैडिक हर्डिंग जो है ये एक्सक्लूसिवली लाइव स्टॉक के लिए है, पशुधन के लिए है, जहाँ पर जो बंजारे होते हैं, है ना, बंजारे होते हैं, खानाबदोश जिनको बोलते हैं। तो ये बंजारे क्या करते हैं, एरिड या सेमी एरिड, शुष्क या अर्ध शुष्क प्रदेशों से निकल कर ऐसी जगहों पर, ऐसे स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पर घास उनके लाइव स्टॉक के लिए, उनके ऊँटों के लिए, उनकी गाय बैलों के लिए पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। तो वो एक जगह नहीं रहते और अपने पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्लांटेशन, यानी कि बागान उगाना। तो प्लांटेशन या बागान जो होता है ये एक्सक्लूसिवली कमर्शियल कहलाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी लैंड्स में, जैसे कि वैलीज़ में या प्लेन्स में जो है, बड़े स्तर पर कई किसान मिलकर या अकेले भी, कई किसान जो है एक साथ भी करते हैं, कमर्शियल लेवल पर करते हैं, बड़ी बड़ी भूमियों पर कृषि करते हैं। और कृषि मतलब ऐसी नहीं होती है कि ट्रैक्टर चला दिया या हार्वेस्टर चला दिया, प्लांटेशन मतलब एक बहुत बड़ा लेवल जहाँ पर ट्रैक्टर हार्वेस्टर से भी बड़ी मशीन्स की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। जैसे कि चाय बागान हम सुनते हैं, है ना, तो चाय बागान जो हो गया, वहाँ पर नॉर्मली ट्रैक्टर वगैरह नहीं चलते, वहाँ अलग टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो वो और होता क्यों है, सिर्फ कमर्शियली, है ना, ऐसा कोई किसान नहीं करता कि आज मैं इस साल की चाय अपने घर के लिए जो ज़रूरी है वो मैं अपने खेतों में उगाऊंगा। तो बिल्कुल वैसा ही है कि प्लांटेशन में किसान अपने उपयोग के लिए नहीं, बल्कि अपनी आजीविका के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, बड़े बड़े लैंड्स के उपयोग से, बड़ी बड़ी भूमियों के उपयोग से दूसरे किसानों के साथ मिलकर भी खेती करता है। तो ये हो गए ट्रेडिशनल टेक्निक्स, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम इसके बाद लेकर आएंगे, जिसमें नॉन ट्रेडिशनल टेक्निक्स, कमर्शियल नॉन कमर्शियल हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मेरी छूट गई थी, तो मैंने आपको बताया था ना आवरण कृषि, तो आवरण कृषि के मैंने यूज़ वैसे तो आपको बता दिए थे। तो आवरण कृषि या जो कवर क्रॉपिंग है क्यों की जाती है किसानों के द्वारा, तो उनको सॉयल हेल्थ बनानी है, उनको जो पोषक तत्व कम हो गए हैं मृदा के वो वापस लाने हैं, सॉइल इरोजन को उनको कंट्रोल करना है, और वीट रिडक्शन यानी कि खरपतवार को नियंत्रण करना है, इसलिए कवर क्रॉपिंग यूज़ की जाती है। चलिए तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और आप सब्सक्राइब करिए क्यूरॉस ट्यूटोरियल को फॉर द मोर सच वीडियोज, फॉर द बेटर प्रिपरेशन एंड द गाइडेंस ऑफ MPPSC एंड अदर स्टेट PCS। और अभी हमारे मेन्स और प्री के बैच जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। इफ़ यू आर सीकिंग फॉर एन इंस्टीट्यूट फॉर योर बेटर प्रिपरेशन, देन डू मेल अस ऑन दिस ID एंड यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन दिस गिवन नंबर। थैंक यू वेरी मच।